झारखंड के लिए भाजपा ने 13 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन अगर इस लिस्ट को आप देखें तो खास बात यह है कि पिछली बार जो बीजेपी से 11 सांसद बने थे उनमें से 5 के टिकट काट दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखें तो बीजेपी पिछली बार 13 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जिसमें से 2 हार गई थी, राजमहल और सिंहभूम, तो वहां पर भी प्रत्याशी बदल गए हैं। तो भाजपा ने झारखंड में क्यों काटे 5 सांसदों के टिकट और बाकी 2 जगह प्रत्याशी क्यों बदल दिए, मतलब इस बार भाजपा की तरफ से 7 नए प्रत्याशी आपको लड़ते दिखेंगे जो पिछली बार भाजपा की ओर से नहीं लड़ रहे थे चुनाव। तो क्यों कटा, किनका टिकट और क्यों उम्मीदवार बदले गए, इन्हीं विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। पहले बात सांसदों की कर लेते हैं। कुल 11 सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीते थे, उनमें से 5 का टिकट कट गया है। तो क्यों कटा है टिकट और उनकी जगह किसी को क्यों मिला है टिकट, इसी पर शुरुआती चर्चा करते हैं। देखिए, धनबाद से पीएन सिंह का टिकट कटा है। वो 3 बार जो है धनबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। 2009 में उन्होंने ददई दुबे को शिकस्त देकर पहली बार जो है वो लोकसभा का चुनाव जीता था और उसके बाद 2014 और फिर 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन कहा जाता है कि उम्र जो है उनके आड़े आ गई और उम्र की वजह से पीएन सिंह का टिकट जो है वो काट दिया गया। उनकी जगह ढुल्लू महतो को टिकट मिला है जो बागमारा से बीजेपी के ही विधायक हैं और उनको टिकट इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी क्षेत्र में एक पकड़ है और इनसे अलग वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और भाजपा का विशेष ध्यान जो है वो पिछड़ी जातियों पर इस चुनाव में देखा जा रहा है, इस वजह से ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया। दूसरी कंस्टिट्यूएंसी जिसकी हम चर्चा करेंगे वो दुमका की कर लेते हैं। वहां पर सुनील सोरेन जो हैं वो 2019 के चुनाव में जीते थे और उन्होंने गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन को जो है वो शिकस्त दी थी और वो भी 47,000 वोटों से ज्यादा से। और जब पहली सूची 2 मार्च को जारी हुई भाजपा की तो उसमें सुनील सोरेन को दुमका से टिकट मिल गया था। फिर वो बेटिकट कैसे हो गए, तो उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि इन सब के बीच सीता सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, वो भाजपा में शामिल होती हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें जो है दुमका का टिकट दे दिया जाता है। और चूंकि सीता सोरेन दुमका लड़ने को तैयार थी तो ऐसी परिस्थिति में सुनील सोरेन का टिकट कटना लाजमी था। इसके अलावा सुनील सोरेन से जो आप कह सकते हैं कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी थोड़ी बहुत नाराजगी थी और इन सब की वजह से सुनील सोरेन का टिकट कटा और सीता सोरेन की चूंकि एंट्री ही भाजपा में हुई थी तो इसलिए उन्हें जो है दुमका से टिकट मिल गया। तीसरी कंस्टिट्यूएंसी हम बात कर लेते हैं लोहरदगा की, जहां पिछली बार बहुत करीबी मुकाबला हुआ था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिसमें एक नजदीकी मुकाबले में सुदर्शन भगत जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने चुनाव जीत लिया था। लोहरदगा में 3 बार सांसद रहे सुदर्शन भगत, लेकिन उनका टिकट क्यों कटा, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, क्योंकि उनके काम से ऐसा लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व था वो बहुत खुश नहीं था और इसके अलावा उसे डर था कि चूंकि ये 3 बार से सांसद हैं तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बन गई होगी, तो उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह समीर उरांव को टिकट दिया गया। समीर उरांव को टिकट दिए जाने के पीछे कहा जाता है कि उनका जनता के बीच जो संवाद है वो बेहतर है और इस वजह से उन्हें जो है वो टिकट दिया गया। इसके अलावा दिल्ली दरबार के नजदीक भी वे माने जाते हैं और इसीलिए
इससे पहले वो राज्यसभा के लिए झारखंड से चुने भी गए थे। अब हम हजारीबाग की बात कर लेते हैं। यहां पर दो बार के सांसद जयंत सिन्हा को जो है बेटिकट किया गया है, लेकिन ये कहने से बेहतर आप ये भी कह सकते हैं कि जयंत सिन्हा ने एक्स पर आकर ये कह दिया था कि वो इस बार चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं हैं। तो एक वजह तो ये है, लेकिन जो असली वजह पर आप जाएं तो स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद स्थापित कर पाने में जयंत सिन्हा बहुत सफल नहीं रहे थे और इस वजह से उनका जो है टिकट कटा है। जो वहां की जनता है हजारीबाग की, उनकी भी शिकायत थी कि जयंत सिन्हा जो है उनसे बहुत मिलते नहीं हैं। इसके अलावा जयंत सिन्हा दिल्ली में ज्यादा सक्रिय रहते हैं और इसीलिए जो है उनका टिकट कटा है, क्योंकि आम जनता से जो है वो संवाद बहुत बेहतर स्थापित नहीं कर पाए। उनकी जगह मनीष जायसवाल को जो है वो टिकट दिया गया है हजारीबाग सदर से। वो बीजेपी के ही विधायक हैं और उनको टिकट दिए जाने के पीछे जो वजह है वो ये है कि उनका क्षेत्र में एक नाम है। इसके अलावा जो आम लोगों से उनका संवाद है वो बेहतर तरीके से स्थापित होता है और जो वहां के लोकल हैं वो उनसे खुद को कनेक्ट पाते हैं। इस वजह से मनीष जायसवाल को हजारीबाग से टिकट दिया गया। इसके बाद हम चतरा की बात करते हैं, तो यहां पर दो बार के सांसद सुनील सिंह का टिकट कटा है और सुनील सिंह का टिकट इसलिए कटा है क्योंकि चतरा में ये लंबे समय से मांग थी कि एक स्थानीय प्रत्याशी उन्हें चाहिए और इसी को देखते हुए कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है। सुनील सिंह को लेकर एक असंतोष भी था और जब अभी राजनाथ सिंह आए थे तो वहां उनके सामने भी सुनील सिंह का विरोध जो है वो हुआ था और पिछली बार भी उनका विरोध हुआ था और इन सब चीजों को देखते हुए हाईकमान ने ये तय किया कि सुनील सिंह का टिकट काट लिया जाए और उनकी जगह कालीचरण सिंह को टिकट दिया जाए, जो कि स्थानीय तो हैं ही, वो जो हैं आम लोगों के बीच घुल मिल सकते हैं चूंकि वहां के हैं और चूंकि वहां के कार्यकर्ता और मतदाताओं की एक मांग थी कि स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, तो उस मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भी कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया भाजपा की ओर से चतरा में। तो ये हो गए पांच सांसद। अब इसके अलावा जो दो प्रत्याशी पिछली बार भाजपा के लिए लड़े थे इन पांचों के अलावा, वो सिंहभूम से लक्ष्मण गिलुआ थे और इसके अलावा राजमहल से हेमलाल मुर्मू थे। तो देखिए सिंहभूम में क्या होता है कि लक्ष्मण गिलुआ का 2021 में निधन हो गया, उसके बाद भाजपा को एक मजबूत नेता की तलाश थी और ये खोज जो है उनकी पूरी होती है जब गीता कोड़ा भाजपा को ज्वाइन करती हैं। तो चूंकि लक्ष्मण गिलुआ अब है नहीं, तो गीता कोड़ा जब शामिल होती हैं तो ये साफ है कि गीता कोड़ा भाजपा की प्रत्याशी क्यों बनाई गई और इस वजह से अब जो है गीता कोड़ा सिंहभूम से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि पिछली बार जो है उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और लक्ष्मण गिलुआ को ही शिकस्त दी थी ऑलमोस्ट 75,000 वोटों के आसपास से। तो इस बार चूंकि गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं तो उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया है। इसके अलावा अगर हम राजमहल की बात करें तो पिछली बार वहां पर विजय हांसदा के खिलाफ जो है वो हेमलाल मुर्मू चुनाव लड़े थे, लेकिन हेमलाल मुर्मू जो हैं वो अब जेएमएम में शामिल हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक नए प्रत्याशी की दरकार बीजेपी को थी और इसीलिए उन्होंने जो है ताला मरांडी को वहां से प्रत्याशी बनाया है। तो ताला मरांडी जो है वो विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। तो ये हैं वो सात प्रत्याशी जो पिछली बार भाजपा के टिकट पर जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जिनके नाम मैंने आपको बताया। ढुल्लो महतो धनबाद से, सीता सोरेन दुमका से, राजमहल से ताला मरांडी, इसके अलावा समीर उरांव लोहरदगा से, मनीष जायसवाल हजारीबाग से और आपको चतरा से कालीचरण सिंह और राजमहल से ताला मरांडी। पांच सांसद जिनके की टिकट कटे उनमें जो है धनबाद से पीएन सिंह हैं, चतरा से सुनील सिंह हैं, दुमका से सुनील सोरेन हैं, इसके अलावा हजारीबाग से जयंत सिन्हा हैं और लोहरदगा से सुदर्शन भगत हैं।
अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।